ये देखिए कम समय और कम सामग्री में हम इतना टेस्टी लड्डू बनाएंगे। इसको आप किसी भी मौसम में सर्दी गर्मी कभी भी इसको बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? संतोषी माँ की रसोई में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम नारियल के लड्डू बनाएंगे और खाएं। तो ये खाने में भी बहुत हेल्थी होते हैं, टेस्टी होते हैं। तो चलिए आज हम नारियल के लड्डू बनाएं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने चार नारियल लिए हैं। ये देखिए छोटे साइज के चार नारियल हैं। इसमें मीठे के लिए मैंने मिश्री लिया है। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मीठा हम उसी अंदाज से डालेंगे जैसे हमारा नारियल हम इनको तोड़ के निकालेंगे, उसी हिसाब से हम मीठा डालेंगे। पहले हम नारियल को तोड़ लेते हैं, इसका अंदर का नारियल निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने नारियल तोड़ लिया है, अब हम इनके अंदर की गिरी निकालेंगे। ये देखिए मैंने गिरी निकाल ली है और इसके छोटे छोटे पीसों में मैंने इसको काट लिया है। अब मैं इसको मिक्सी के औजार में डालूंगी। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैं पीसूंगी इसको मोटा मोटा। ये देखिए मैंने मिक्सी के औजार में डाल दिया है, अब मैं इसको पीसूंगी। ये देखिए हमारा मोटा मोटा पीस गया है, अब मैं इसको कढ़ाई में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है, कढ़ाई गैस के ऊपर रख दिया, गैस ऑन कर दिया। अब हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे थोड़ी देर। ये देखिए इसको चलाते हुए मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, ये सूखा सूखा हो गया, इसमें थोड़ा बहुत पानी था वो जल गया है। अब मैं इसमें मिश्री डालूंगी, ये मैंने एक कटोरी मिश्री डाली है, आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। अब हम इसमें मिश्री डाल के इसको चलाते हुए छेकेंगे। ये देखिए मैं एक चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, आपके ऊपर डिपेंड है। ये देखिए हमारी मिश्री इसके अंदर घुल गई है, अब हम इसको दो तीन मिनट और पकाएंगे। ये देखिए ये हमारा सूखा सूखा हो गया। अब मैंने दो इलायची का पाउडर लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इलायची डालने से इसका थोड़ा टेस्ट और अच्छा आएगा। तो मैं दो या तीन मिनट इसको अच्छे से और मिक्स करूंगी। अभी हम इसको थोड़ा देखते हैं, अगर हमारा ये लड्डू बनने लग गया। ये देखिए अब हम थोड़ा ट्राई करते हैं। ये हमारे देखना लड्डू बन गए हैं, ये हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, गैस से उतार लेते हैं। ये देखिए हमारा 10-15 मिनट हमने रख के ठंडा कर दिया है। ये मैंने लड्डू बनाया है, हम इस तरह सारे लड्डू बनाएंगे। ये हमारा लड्डू बन गया है, हम सूखा वाला नारियल में इसका ऐसे कर। ये देखिए इसी तरह हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे नारियल के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। कम समय में और कम सामग्री में कितना टेस्टी नारियल के लड्डू बनके तैयार हुए हैं। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बने हैं। देखिए आप इसे बना के एक महीना दो महीने तक रख सकते हो, और कभी भी जब भी आपका मन करे तब आप एक पीस खा सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, मैं आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। थैंक यू।